पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI अब पंजाब में उग्रवाद फैलाने और जासूसी करने के नए तरीके इजाद कर रही है। पंजाब के NI प्रेम से भलीभांति उसकी कमजोरी का फायदा उठा रही है। ISI का मकसद पंजाब में उग्रवाद को फिर से जिंदा करना है, जिसके लिए उन्होंने खूबसूरत महिलाओं की बजाय हैंडसम मर्दों का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जो उनके लिए जासूसी करेगा। ये शातिर जासूस महिलाओं के पहले करीब आते हैं फेसबुक के जरिए और फिर मिलकर उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा उदाहरण 12 अक्टूबर को जलंधर में सामने आया था। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या विवाद में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस मामले में दोनों पक्ष आपस में सुलह के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले रिकॉर्ड देखते हुए पहले दोनों पक्ष खुद बैठकर सुलह का अंतिम ड्राफ्ट बनाएं। उनका कहना है कि अलग अलग संदेशों में बात नहीं बनेगी, दोनों पक्ष एक साथ आए तो सरकार पहल करेगी। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि गुजरात चुनाव में BJP 150 सीटें जीतेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को आम चुनाव की जीत पर बधाई दी। रविवार को जापान में आम चुनाव हुए थे। मोदी ने ट्वीट कर कहा, मेरे प्यारे दोस्त शिंजो आबे को इस जीत पर हार्दिक बधाई। भारत जापान संबंधों में मजबूती बढ़ाने की उम्मीद है। कबीर खान की आने वाली फिल्म जिसका नाम 83 है, इसमें रणबीर कपूर नजर आएंगे कपिल देव के रोल में। इसके बारे में कबीर खान ने कहा कि खुद कपिल देव उन्हें क्रिकेट सिखा रहे हैं। उन्होंने बताया, 1983 की विश्व कप विजेता टीम हमारी मदद करेगी। मैं वहाँ कंसल्टेंट और कोच की हैसियत से मौजूद होगी। इसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी। कबीर खान ने कहा, उनकी ये फिल्म कपिल देव की बायोपिक नहीं होगी, बल्कि ये भारत के 1983 में वर्ल्ड कप जीतने की कहानी होगी।